आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटा हमारे पास डेटासेट्स क्या है, डेटासेट में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरह के डेटासेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आज जो लेक्चर के कंटेंट्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो हमने बुक में से लिए हैं, डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स में से। तो सबसे पहले हमारे पास है कि आज हम जो इससे पहले भी मैंने बताया कि हम देखेंगे डेटा ऑब्जेक्ट्स, डेटा सेट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट की टाइप्स क्या हैं और टाइप ऑफ डेटा सेट्स कौन कौन से। डेटा ऑब्जेक्ट्स को डेटा सेट्स जो है डेटा ऑब्जेक्ट्स से मिलकर बनते हैं, या डेटा ऑब्जेक्ट्स कोई भी एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डेटा सेट है या डेटा बेस है, तो उसमें कस्टमर हमारे पास डेटा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, स्टोर आइटम्स हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं। इसी तरह से मेडिकल डेटाबेसेस हैं, तो वहां पे हमारे पास पेशेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसका डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी डेटा बेसिस हैं, तो उसमें हम स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, प्रोफेसर का, कोर्सेज का, और डेटा ऑब्जेक्ट्स को हम सैंपल भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं, इंस्टेंस भी कह सकते हैं, डेटा पॉइंट्स या टपल, जो डेटाबेस की रूल्स जिस तरह उसको रूल्स को टपल्स भी कहते हैं, तो यहाँ पे इसको टपल भी कह सकते हैं। नॉर्मली डेटा ऑब्जेक्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग एट्रीब्यूट्स। तो इसमें डेटाबेसिस का अगर आपको पहले आइडिया है, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक रोज और एक कॉलम। रोज में डेटाबेस में या डेटा सेट में हमारे पास डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे और कॉलम्स रिप्रेजेंट करेंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट को हम डायमेंशन भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मशीन लर्निंग, फीचर भी कह सकते हैं मशीन लर्निंग के लिहाज से, वेरिएबल भी कह सकते हैं। एट्रीब्यूट जो है हमारे पास डेटा फील्ड है जो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या फीचर जो डेटा ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करना के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी और नेम, एड्रेस, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह से नॉमिनल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बाइनरी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स, उसमें हमारे पास इंटरवल स्केल्ड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और रेशियो स्केल्ड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से एट्रीब्यूट को मैंने डिफाइन किया है, तो डेटा सेट या टेबल डेटाबेस में जो हमारे पास रोज होंगी उसको डेटा ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमारे पास कॉलम्स होंगे उसको हम फीचर भी कह सकते हैं और एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। एट्रीब्यूट की टाइप्स हमारे पास जो एग्जिस्ट करती हैं, उसमें नॉमिनल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जिस तरह से हम कैटेगरीज डिफाइन कर दें, नेम ऑफ थिंग्स को डिफाइन कर दें, जिस तरह से अगर सी प्लस प्लस की एग्जाम्पल दें, उसमें आप एन्यूमरेशन यूज कर सकते हैं, हेयर कलर, डिफरेंट हेयर कलर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, रेड, व्हाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, मार्शल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, आईडी नंबर्स, जिप कोड्स, ये सारे हमारे पास नॉमिनल एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल्स। बाइनरी एट्रीब्यूट्स से मुराद है कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसमें हमारे पास सिर्फ दो स्टेट्स होंगी, या जीरो या वन। सिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स से मुराद है कि जितनी भी आउटपुट्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से जेंडर है, तो उसमें अगर जीरो और वन, जीरो मेल के लिए, वन फीमेल के लिए, तो उसके अक्रंस की जो है हमारे पास वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी, तो उसको प्रोबेबिलिटी के लिए सेम ही होगी, तो उसको हम जेंडर सिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट कहते हैं। जिसमें आउटकम्स नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट कह सकते हैं। उसमें हमारे पास मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट आ सकता है, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज है या कैंसर है, तो उसमें आउटपुट उसकी जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। इसी तरह से जो इसमें नॉर्मली यूज किया जाता है, जिसको एट्रीब्यूट की वैल्यू ज्यादा
अक्रस हो सकती है, उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम जो हो सकती है उसको हम वन असाइन करते हैं, जिस तरह एच आई वी पॉजिटिव है तो इसको हम एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट कह सकते हैं। ऑर्डिनल एट्रीब्यूट से मुराद है कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसमें कोई वैल्यूज जो मीनिंगफुल ऑर्डर में या रैंकिंग में ऑर्डर किए गई हों तो उसको हम ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। और जिस तरह से साइज है, शर्ट का साइज हो सकता है आपके पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ग्रेड हो सकते हैं, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है या डी ग्रेड है, इसी तरह आर्मी रैंकिंग है। तो ऑर्डिनल एट्रीब्यूट से मुराद है कि ऐसी है एट्रीब्यूट जिसमें वैल्यूज जो मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज हो, तो उसमें मैग्नीट्यूड बिटवीन सक्सेस जो सक्सेसिव वैल्यूज हैं वो हमें नॉन। फॉर एग्जाम्पल प्रोपोन्स कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू स्मॉल है या कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू मीडियम है, वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास नॉन नहीं। इसी तरह से न्यूमेरिक एट्रीब्यूट टाइप्स जो हमारे पास हैं उसमें क्वांटिटी हो सकती है, क्वांटिटी इंटीजर हो सकती है, रियल वैल्यू हो सकती है, इंटरवल बेस्ड हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो इक्वल साइज यूनिट पे हम मेजर करें उसको इंटरवल कह सकते हैं। टेम्परेचर है जिस तरह से फारेनहाइट या सेंटीग्रेड में है, कैलेंडर डेट्स हैं, तो एक स्पेसिफिक इंटरवल एग्जिस्ट करता है इक्वल साइज यूनिट का, यानी कि फर्स्ट डेट है, सेकंड डेट है, थर्ड डेट है, तो उसमें हमारे पास जो इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है इक्वल साइज यूनिट का, उसको हम इंटर कह सकते हैं कि इंटरवल टाइप का न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट है। और इसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता कि कौन सी वैल्यू हमारे पास जीरो पॉइंट है, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रू जीरो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक उसको रिलेटिव कर सकते हैं, ट्रू जीरो पॉइंट नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारे पास रेशियोज हो सकती हैं, उसमें इनहेरिट जीरो पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। और इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या लार्जर देन यूनिट ऑफ मेजर उसको हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से 10 केल्विन सेंटीग्रेड जो है, 10 केल्विन जो है टेम्परेचर, वो ट्वाइस है 5 केल्विन से, यानी कि उसकी रेशियो एग्जिस्ट कर सकती है। इसी तरह से लेंथ है, डिस्टेंस के लिहाज से काउंट है, मॉनिटरी क्वांटिटीज हैं, ये सारी हमारे पास रेशियो में एग्जिस्ट आती हैं। इसी तरह से हमारे पास एट्रीब्यूट्स की और टाइप, जिसमें डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। डिस्क्रीट एट्रीब्यूट से मुराद है कि उसमें फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन उसमें हम उसको इंटीजर वैल्यू वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिप कोड हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, डिस्क्रीट वैल्यूज में सेट ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। बाइनरी एट्रीब्यूट्स जो है इसकी डिस्क्रीट की एक स्पेसिफिक टाइप है, क्योंकि बाइनरी में हम सिर्फ दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, डिस्क्रीट में मल्टीपल वैल्यूज, फाइनाइट वैल्यूज एंड फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। कंटिन्यूस एट्रीब्यूट से मुराद है कि ऐसे एट्रीब्यूट जिसमें वैल्यूज रियल नंबर्स के तौर पर स्टोर की जा सकती है, जैसे हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, और रियल वैल्यूज जो है हम मेजर कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स जो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट, नॉर्मली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड जो सिलेक्टिव की है, इसमें हम देखते हैं कि कौन से टाइप के डाटा सेट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, उसमें रिलेशनल रिकॉर्ड हो सकते हैं, डेटा मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें न्यूमेरिकल मैट्रिक्स या क्लास टाइप्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट डाटा हो सकता है, टेक्स्चुअल डॉक्यूमेंट, टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर जो नॉर्मली हम मशीन लर्निंग में टेक्स्चुअल डाटा को कन्वर्ट करने के लिए न्यूमेरिक डाटा में एक मेथड है उसको यूज किया जा सकता है, ट्रांजेक्शन डाटा हो सकता है जो रिकॉर्ड के तौर पर स्टोर किया जा सकता है। इसी तरह से आजकल जो एक सोशल मीडिया में यूज होता है तो उसमें ग्राफ डाटा और नेटवर्क यूज किया जा सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब को का डाटा सेट हो सकता है, सोशल और इंफॉर्मेशन नेटवर्क का हो सकता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपस में रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें ग्राफ डाटा या नेटवर्क
यूज किया जा सकता है। इसी तरह से ऑर्डर डेटा हो सकता है, वीडियो डेटा उसमें सीक्वेंस ऑफ इमेजेस जो वीडियो से गेट किए गए हैं फ्रेम के तौर पे वो हो सकते हैं। टेम्पोरल डेटा जिसमें टाइम सीरीज डेटा हो सकता है, सिक्वेंशियल डेटा ट्रांजेक्शन सीक्वेंस हो सकता है, जेनेटिक सीक्वेंस डेटा हो सकता है। इसी तरह स्पेशल इमेज और मल्टीमीडिया डेटा हो सकता है, स्पेशल डेटा में मैप्स हो सकते हैं, इमेज डेटा और इसी तरह से वीडियो डेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है सबसे पहले कि डेटा सेट क्या है, डेटा सेट कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें डेटा ऑब्जेक्ट्स को हम रोल्स के तौर पे शो कर सकते हैं और कॉलम्स के तौर पे हम एट्रीब्यूट्स को हम फीचर्स कह सकते हैं। और हमने नेक्स्ट देखा है एट्रीब्यूट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं और लास्ट में हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू।